सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को हरासा करने के इल्जाम का सामना करने वाली बरतानवी वजीर दाखिला की परेशानी में इजाफा हो गया। बरतानवी मीडिया ने गैरती पटेल पर खुफिया एजेंसियों पर कंट्रोल हासिल करने का इल्जाम भी आयद कर दिया है। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को हरासा करने के इल्जाम का सामना करने वाली बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल बरतानिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही थी। इस बात का इंकशाफ बरतानवी मीडिया ने किया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक वजीर दाखिला के मुबैना गैर मुनासिब रवैये की तहकीकत काबीना ऑफिस कर रहा है, जो ये देखेगा कि आया पटेल ने मौजूदा या साबिक दौर में जाबते की खिलाफ वर्जी तो नहीं की। प्रीति पटेल पर गैर मुनासिब रवैये का इल्जाम लगाते हुए वजारत दाखिला के सीनियर ब्यूरोक्रेट सर फिलिप रत्नम हफ्ते को मुस्ताफी हो गए थे। बरतानवी अखबार के मुताबिक प्रीति पटेल एक मनसूबे पर काम कर रही थी, जिसके तहत वजारत दाखिला के तहत नया मुश्तरका कंट्रोल निजाम कायम करना था, जिसमे खुफिया एजेंसी MI6 और GCHQ को भी दायरे में लाना था। दोनों इदारे इस वक्त उमूर खारजा से मुतालिक वजारत के मातहत हैं। प्रीति पटेल के इस हवाले से कोशिश को काबीना सेक्रेटरी और कौमी सलामती के मुशीर सर मार्क सेड्यूल ने रोक कर नाकाम बना दिया था। प्रीति पटेल के हवाले से ये भी बात सामने आई है कि उनके रवैये के सबब एक अहलकार खातून ने दिल बर्दाश्ता होकर जरूरत से ज्यादा खाब आवर अद्वियात इस्तेमाल की। प्रीति पटेल के मुबैना गैर मुनासिब रवैये के खिलाफ बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने तहकीकात शुरू करने की हिदायत की है।